जीएसटी को लेकर देश के व्यापारी वर्ग की नाराजगी झेल रही मोदी सरकार ने अब कारोबारियों को थोड़ी राहत दी है। सरकार ने अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी के स्टीकर लगे उत्पादों पर 3 महीने की मोहलत बढ़ा दी है। इसका मतलब साफ है कि इस साल के अंत तक दुकानदार पुराने दाम वाले स्टॉक को बेच सकेंगे। जीएसटी काउंसिल के 30 सितंबर के अल्टीमेटम के बाद व्यापारियों की चिंता बहुत बढ़ गई थी। उनका कहना था कि बाजार में लगभग 6 लाख करोड़ के उत्पाद फंसे हुए हैं, जिसे बेचने के लिए और ज्यादा समय की जरूरत है। व्यापारियों की मुश्किलों के मद्देनजर अब केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पुराने स्टॉक बेचने की समय सीमा बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी देते हुए उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि बाजार से पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। सरकार के इस फैसले से कंपनियों, दुकानदारों और निर्यातकों को काफी राहत मिली है, क्योंकि अगर नए एमआरपी वाले स्टिकर के साथ पुराने स्टॉक को बेचने की अनुमति नहीं दी जाती तो 1 अक्टूबर से ऐसे माल को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो जाती। हालांकि व्यापारियों ने 30 सितंबर की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 31 दिसंबर तक ही बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके बाद जीएसटी लगाए जाने के पहले का एमआरपी वाला उत्पाद बाजार में नहीं बेचा जा सकेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।